गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लास्ट फैमिली करा रही हूँ टैक्सोनॉमी की पोएसी। बीच में मैंने कुछ फैमिलीज छोड़ दी हैं। ये सबसे बड़ी फैमिली है और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मानी जाती है, ग्रैमिनी जिसको कहते हैं। पोएसी, ये खाद्यान्न इसके अंदर आते हैं। इस फैमिली के बाद फिर हम अपनी एम्ब्रियोलॉजी शुरू करेंगे, भ्रूण विज्ञान जो शुरू करेंगे। इस फैमिली को बैंथम एनुकर ने वही मोनोकॉटिलीडेंस और ग्लूमेसी इसके अंदर ऑर्डर दिया है। एंग्लर एंड प्रांटर ने मोनोकॉटिलीडन में ग्लूमी फ्लोरी ऑर्डर के अंतर्गत इसको रखा है। विश्व की सबसे बड़ी फैमिली के अंतर्गत ये आती है। प्लांट किंगडम की लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली कुल है ये, जिसमें 600 जेनरा, 600 प्रकार के पादप और 10,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इंडिया में 239 जेनरा और 1180 इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं उसमें आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट प्लांट्स में खाद्यान्न देख लीजिए। ये सारे नाम आपको मालूम होने चाहिए, बोटैनिकल नेम्स हैं। यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम। गेहूं को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, चावल को ओराइजा सटाइवा, मक्का को जिया मेज, बाजरा को पेनिसीटम टाइफॉइडिस, जौ को हॉडियम वुलगेयर, ओट या जई जो ओट्स खाते हैं आप, अवीना सटाइवा, ज्वार को सॉर्गम वुलगेयर, रागी को एल्यूसाइन कोराकाना। तो ये एडिबल सीरियल प्लांट्स हैं। ये आपका ये इम्पॉर्टेंस भी हो गया, आर्थिक उपयोग भी हो गया, प्लस ये आपको इस फैमिली के आने वाले पादप हैं। फॉडर यानी चारा के रूप में इसमें बहुत प्रकार की ग्रासेस आती हैं, घास आती हैं। मैंने ज़्यादा नहीं बताई हैं, करीबन 100-150 प्रकार की ग्रासेस आती हैं इसके अंतर्गत में। साइनाडॉन डैक्टिलॉन जो दूब घास है, सिटारिया ग्लाउका जई है, फैलेरिस स्पीशीज है, सकेरम मुंजा भी इसके अंतर्गत आता है, जिसको हम मूंज बोलते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। ओके, तो ये हुआ फॉडर। फॉडर के बाद आते हैं हम शुगर। शुगर जो है आपको पता है गन्ना इसी फैमिली के अंतर्गत आता है, सकेरम ऑफिसिनेरम। गन्ना जो कि आपका गुड़ भी इससे बनता है, चीनी भी इससे बनती है। शुगर का एकमात्र जो सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो गन्ने से होता है, जो कि इस फैमिली का पादप है। ऑयल परफ्यूम्स वगैरह निकल, परफ्यूम के लिए जो ऑयल निकलते हैं, एंटी मॉस्किटो क्रीम में जो ऑयल लगता है, मेडिसिन में जो ऑयल मिलते हैं, वो भी काफ़ी सारे इस फैमिली से मिलते हैं। सिम्बोपोगोन स्पीशीज जिसको लेमन ग्रास कहते हैं, उसके ऑयल निकलते हैं, लीव से निकाला जाता है। बेटिवेरिया जायजेनॉइडी जिसको खस बोलते हैं, खस का इत्र भी बनता है, परफ्यूम बनता है, फ्रॉम रूट्स एंड राइजोम्स। रूट्स और राइजोम से ही ऑयल निकलता है खस के, और खस के रूट्स और राइजोम से ही इत्र बनता है। और सवाई माधोपुर में इसकी खेती होती है, वेटिवेरिया जायजेनॉइडिस की। तो राजस्थान का ही पादप है ये, जो ऑयल भी देता है और परफ्यूम भी देता है। इसकी खस की जो है पैड्स भी बनाए जाते हैं, जो कूलर्स में लगाए जाते हैं, और कूलिंग भी होता है, बहुत ठंडक देता है ये खस। ठीक है, पेपर मिलता है हमें डेंड्रोकैलामस, बेत की प्रजातियाँ होती हैं सारी, और बम्बूसा स्पीसीज यानी बैम्बू की स्पीसीज से भी पेपर मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हैबिट पे। तो मैक्सिमम एनुअल हर्ब्स हैं, क्योंकि ग्रासेस हैं, खाद्यान्न हैं, ये सारे हर्बेशियस प्लांट्स हैं। कुछ बायनियल्स पेरिनियल्स हर्ब्स भी हैं इसके अंदर, एक वर्षीय के अलावा द्विवर्षीय और बहुवर्षीय भी आपको मिलेंगे। कुछ श्रब्स हैं, जैसे जो बैम्बू और बेंत की प्रजातियां हैं वो तो वुडी ट्रीज में आ गए, कुछ श्रब्स भी आते हैं। और कुछ जो बैम्बूज हैं वो तो 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, उनका लंबा लाइफ स्पैन होता है। रूट्स जो है इसमें जो है टैप रूट नहीं है, एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट है। और गन्ने में और मक्के के अंदर आपने देखा होगा, गन्ने के तने से और मक्के के तने से नीचे जो नोड्स हैं वहाँ से कुछ जड़ें निकलती हैं और ज़मीन में फिक्स हो जाती हैं, इनको स्टिल्ट रूट कहते हैं। ये जो है स्टिल्ट रूट कहलाते हैं। स्टेम जो है मैक्सिमम जो स्टेम है, क्योंकि मोनोकॉट है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। स्टेम जॉइंटेड होती है, यानी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं स्टेम में, इसलिए जॉइंटेड बोलते हैं। इंटरनोड्स आर फिस्टुलर, हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। और ये जो इस प्रकार का तना होता है जिसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, प्लस जो इंटरनोड है वो खोखला होता है, उसको कलम कहते हैं, CULM, कलम कहलाता है। ठीक है, मक्के के अंदर इंटरनोड खोखला नहीं होता है। और ग्रासेस जो घास होती हैं उसमें इरेक्ट नहीं होती है स्टेम, उसमें रनर्स होते हैं, यानी ज़मीन पे हॉरिजॉन्टल जो रन करते हैं, लंबे लेटे लेटे जो चलते हैं। आप दूब घास देखो, उखाड़ोगे ना तो उखड़ती चली जाएगी, जगह जगह पे उसमें से सकर्स निकलते हैं जो ज़मीन के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं। बाकी तना लंबा लंबा चलता है, लंबा लंबा तो इधर उधर उलझ जाएगा, इसलिए बीच बीच में से क्या निकलते हैं, सकर्स, जो उस तने को ज़मीन में गाड़ करके पकड़ करके जकड़ करके रखते हैं। ओके, अब आते हैं हम लीव्स पे।
लीफ सारी सिंपल होती हैं। आप ध्यान रखिए गेहूं का, मक्के का, बाजरे का या चावल का कोई सा भी प्लांट अपने ध्यान में रखिए तो आप पूरे कैरेक्टर्स इस फैमिली के लिख पाएंगे। ग्रासेस भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लीफ सारी सिंपल है, कोई कंपाउंड लीफ नहीं है। अरेंजमेंट अल्टरनेट है, पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट्स में। हर एक लीफ लंबी होती है, लैमिना लंबा होता है, लेकिन एक बहुत खास चीज़ है ग्रामिनेसी फैमिली में, वो मैं अभी डायग्राम में आगे दिखाऊंगी आपको। जो लैमिना होता है लंबा, उसके बेस से एक कवरिंग निकलती है, शीदिंग बेस निकलती है, जो तने को ढक लेती है नोड तक। हर लीफ के बेस में से एक शीथ निकलती है जो तने को नोड तक ढक लेती है। और एक और चीज़ है, जहाँ से ये लीफ बेस निकलती है, लैमिना और लीफ बेस जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ से एक छोटा सा पतला सा बालनुमा स्ट्रक्चर भी निकला रहता है जिसको लिग्यूल कहते हैं। थोड़ा सा वो लेदरी टाइप का होता है। लैमिना लंबा होता है यानी पत्ती लंबी, नैरो, पतली, लीनियर या लैंसुलेट शेप होती है। अब आप, मैं यहाँ पे पत्ती दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये लंबी पत्ती है, किसी की भी देख सकते हो, गेहूं की, मक्का की, बाजरे की, सबकी पत्तियां ऐसी होती हैं। इस पत्ती में पैरेलल वेनेशन आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये वेनेशन बिल्कुल पैरेलल है। इस पत्ती के बेस पे जहाँ पे ये पत्ती एंड हो रही है और वहीं से एक ट्यूब नुमा संरचना निकल रही है, वो लीफ बेस है और वो नीचे के नोड तक इसको, कल्म को यानी तने को ढके हुए हैं। और जहाँ पे ये लैमिना यानी पत्ती और लीफ बेस जहाँ से निकल रही है, उस जगह पे एक गूदेदार लेदर जैसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकला रहता है जिसको लिग्यूल कहते हैं। ओके, अब आते हैं पुष्पक्रम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका पुष्पक्रम है, जिसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ध्यान से इसको समझाती हूँ कि पहला तो जो पुष्पक्रम है ये स्पाइक होता है, कंपाउंड स्पाइक है। आप देखिए ये स्पाइक पुष्पक्रम है, ये जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ये स्पाइक के अंदर छोटे 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 अलग से लाइनें बनी हुई हैं जिनको स्पाइकलेट कहते हैं। स्पाइकलेट इसकी इकाई है। और एक स्पाइकलेट के अंदर भी बहुत सारे पुष्प होते हैं। ये मैंने एक स्पाइकलेट बनाया है, ये एक स्पाइकलेट बनाया है, इसमें मैंने एक पुष्प दिखाया है। और ये ऊपर को जो एक डंडी जा रही है इस पे फिर दूसरा पुष्प होगा, तीसरा पुष्प होगा, ऐसे ये स्पाइकलेट के अंदर एक स्पाइकलेट में तीन या चार पुष्प होते हैं और बहुत सारे स्पाइकलेट मिलकर के ये स्पाइक बनाते हैं। बहुत सारे स्पाइकलेट मिलके स्पाइक बनाते हैं। और एक स्पाइकलेट के अंदर पुष्प कहाँ पर है, कभी आपने गेहूं, मक्के का, बाजरे का पुष्प देखने की कोशिश की है, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि पुष्प छुपा रहता है। सबसे पहले एक स्पाइकलेट के एक पुष्प को हम खोलेंगे तो जो बाली होती है ना गेहूं की, उस गेहूं की एक बाली में एक पोर्शन, ये छोटा सा जो तिकोना पोर्शन हो रहा है, इसको आप खोलेंगे तो आपको बहुत सारी परत के अंदर परत नज़र आएंगी। सबसे पहली परत जो हम खोलते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट ग्लूम, या उसके ऊपर होता है सेकंड ग्लूम। इसको फर्स्ट ग्लूम या सेकंड ग्लूम को स्टराइल ग्लूम भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर पुष्प नहीं होते, ये सिर्फ कवर कर रहे हैं, केवल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ग्लूम और सेकंड ग्लूम ये सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इनको स्टराइल ग्लूम भी कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ये जो पूरा पोर्शन है, ये छोटा सा एक पोर्शन होता है जिसमें एक दाना बनता है गेहूं का, इसको खोल करके यहाँ दिखाया हुआ है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है रैचिला, ये छोटी सी बहुत ही कंडेंस्ड, बहुत ही छोटी सी इसकी एक एक्सेस है जिसके ऊपर ये पूरा पुष्प अरेंज्ड है, जिसको रैचिला कहते हैं। अब आइए जिस पर मैंने लिखा है लैमा, ये एक कवरिंग है लैमा, ठीक है, पतला सा। इसके ऊपर जो तिकोना भाग है यहाँ से एक बाल निकला रहता है, लंबा बाल जो चुभ जाता है। अगर आपने गेहूं की बाल देखी है, बाली, तो ये जो बाल निकला रहता है इस लैमा के ऊपर होता है। लैमा के बाद ये लिखा है पैलिया, ये जो पैलिया है ये पतला झिल्ली नुमा, बिल्कुल पन्नी जैसा ट्रांसपेरेंट एक स्ट्रक्चर होता है जो इस लैमा के अंदर अंदर धंसा रहता है। ये पैलिया किस में धंसा हुआ है, लैमा के अंदर। तो आप बीच में जो आपको ओवरी और स्टेमन दिख रहे हैं, ये स्टेमन्स तीन दिख रहे हैं, और फैदरी स्टिग्मा जो दिख रहा है उसके नीचे ओवरी दिख रही है, और एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है लॉडिक्यूल। ये सारी चीज़ें लॉडिक्यूल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टेमन्स,
ये सब कहाँ मौजूद है? लेमा और पैलिया के बीच में, और पैलिया लेमा में धंसा हुआ है। तो यानी अगर स्टेमन्स और स्टिग्मा और लॉडिक्यूल्स को देखना है तो पहले पैलिया को धीरे से बाहर निकालना पड़ेगा चिमटी के सहायता से। जब पैलिया बाहर निकालोगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ओके, तो ये है एक पुष्प, इसीलिए पुष्प नज़र नहीं आता है क्योंकि पुष्प किसके अंदर बंद है? लेमा और पैलिया के बीच में बंद है। अब इसके थोड़े इस पुष्प के मैं कैरेक्टर्स आपको बता देती हूँ। स्पाइकलेट इज सेसाइल, ये जो स्पाइकलेट है इसमें डंडी नहीं है कहीं पे भी। ये रैचिला जो है ये फ्लावर की एक्सिस है छोटी सी, इसमें डंडी नहीं है इसलिए स्पाइकलेट कैसी है? सेसाइल। स्पाइकलेट में तीन या चार पुष्प होते हैं, मैंने ये एक पुष्प दिखाया है, इसके ऊपर एक और होगा, तो ऐसे स्पाइकलेट है ये और बहुत सारी स्पाइकलेट्स मिलकर स्पाइक बनाती हैं। तो स्पाइकलेट इज सेसाइल यानी डंडी नहीं है। स्पाइकलेट की जो एक्सिस है उसको रैचिला कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्लूम में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि पोएसी फैमिली के हर एक मेंबर में सेकंड और फर्स्ट ग्लूम जिसको स्टराइल ग्लूम कहते हैं ये मौजूद हो, ये एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, स्टराइल ग्लूम में भी मोर इन नंबर, ये जो फर्स्ट ग्लूम और सेकंड ग्लूम है इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। फर्टाइल या फ्लावरिंग ग्लूम 1 से 50 हो सकते हैं संख्या में, जिसको हम लेमा कहते हैं। अब गेहूं में एक ही लेमा होता है, ये एक ही लेमा है गेहूं में, लेकिन बाकी जो प्रजातियां हैं उसमें 1 से 50 तक हो सकते हैं, जिसको फर्टाइल ग्लूम कहते हैं लेमा को। एक मेम्ब्रेनस बाई नर्व स्ट्रक्चर बिटवीन लेमा एंड रेचिला, जिसको पैलिया कहते हैं, जो मैंने बताया था बाई नर्व मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है पैलिया, जो कि लेमा के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, पैलिया इज मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल का रूपांतरण है पैलिया। इन बिटवीन लेमा एंड पैलिया इज प्रेजेंट द फ्लावर, ये मैंने आपको दिखा दिया ऊपर, लेमिया और लेमा और पैलिया के बीच में पुष्प मौजूद है। और लेमा हैज़ ऑन, ऑन का मतलब लंबा नुकीला बाल मौजूद होता है लेमा के ऊपर, जो मैंने यहाँ बनाया नहीं है क्योंकि बनाती तो आप ये स्टेमन से कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस लेमा के ऊपर एक पतला सा बाल भी रहता है। तो ये हुआ पुष्प की संरचना कंप्लीट पोएसी फैमिली की। अब आते हैं हम फ्लावर क्या है, पुष्प क्रम बता दिया मैंने, अब फ्लावर के बारे में बात करें। फ्लावर बहुत छोटा है, पैलिया और लेमा के बीच के अंदर अंदर छुपा रहता है। इनकॉन्स्पिक्यूस का मतलब दिखता नहीं है। बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है क्योंकि ये बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है, और हाइपोगाइनस है यानी ओवरी तो सुपीरियर इसमें भी है। पेरियांथ यानी कैलिक्स और कॉरोला इसके अंदर नहीं है। जो छोटे छोटे लॉडिक्यूल्स दिख रहे हैं, मैं इस डायग्राम में वापस जाती हूँ, देखिए ये लिखा है लॉडिक्यूल, जहाँ लॉडिक्यूल लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर एक पत्ती नुमा, ये वास्तव में पेरियांथ है। यानी कैलिक्स कॉरोला में जब हम अंतर नहीं करते तो ये क्या बन जाता है? पेरियांथ। तो ये पेरियांथ है, पेरियांथ की इकाई होती है टेपल। यहाँ दो लॉडिक्यूल मौजूद है, जो यहाँ एक ही दिख रहा है, एक इसके पीछे है। ठीक है, तो ये दो लॉडिक्यूल असल में क्या है? पेरियांथ का रूपांतरण मॉडिफिकेशन है पेरियांथ, ये मैंने पेरियांथ बताया। रिड्यूस टू लॉडिक्यूल्स, ये जो दो पैरनुमा संरचना दिख रहे हैं ना, ये पेरियांथ के दो टेपल हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज में नहीं है डिफ्रेंशिएटेड, बिल्कुल छोटे छोटे से दो लॉडिक्यूल्स। किसका मॉडिफिकेशन है? ये पेरियांथ का। पेरियांथ बहुत छोटा है, फ्लैशी है और हायलाइन ट्रांसपेरेंट है। एंड्रीशियम तीन है, जो आपने डायग्राम में देख ही लिए हैं, तीन फिलामेंट्स बहुत छोटे छोटे डेलिकेट स्मॉल। एंथर्स बड़े बड़े हैं, वर्सेटाइल है, एंथर्स बहुत बड़े बड़े और वर्सेटाइल हैं। आप देखिए इसमें मैंने बहुत बड़े दिखाए नहीं है, मैं अलग से दिखाऊंगी। एंथर्स तीनों बड़े बड़े हैं और वर्सेटाइल हैं, जो झूलते रहते हैं। वर्सेटाइल का मतलब है झूलते रहते हैं फिलामेंट के ऊपर। गाइनीशियम मोनोकार्पिलरी, एक ही कार्पल है, ओवरी सुपीरियर है, यूनिलॉक्युलर है, एक सिंगल ओव्यूल बेसल प्लासेंटेशन पे। स्टिग्मा बाइफिड है, यानी दो फैदर दिख रहे हैं स्टिग्मा पे, देखिए यहाँ पे ये स्टिग्मा दिख रहा है ना, फैदरी स्टिग्मा, जहाँ लिखा है फैदरी स्टिग्मा, ये दो स्टिग्मा है। आपको स्टाइल बहुत छोटी है, दिखेगी नहीं ओवरी के ऊपर। दो पंख नुमा स्टिग्मा आपको दिख रहे हैं, वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है गाइनीशियम में, स्टिग्मा फैदरी है यानी पंखनुमा है, स्टिग्मा बाइफिड, दो पंख निकल रहे हैं। फ्रूट कैरियोप्सिस यानी चावल है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, इन सबको क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस।
फ्लोरल फार्मूला इसमें मैंने गेहूं का बताया है, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ यानी दो लॉडिक्यूल्स हैं, स्टेमंस तीन हैं, गाइनीशियम, मोनोकार्पिलरी, ओवरी, सुपीरियर। देखिए ये है, यहाँ पे आइए, पहले ये मैंने एम्प्टी ग्लूम बनाया है, दो एम्प्टी ग्लूम जो नीचे थे फर्स्ट और सेकंड, फिर लेमा है, लेमा में यहाँ पे बाल दिख रहा है देखिए अलग से, दूसरा पैलिया है, ये पैलिया लेमा के अंदर धंसा रहता है। इस पैलिया को जब बाहर निकालते हैं तो क्या क्या निकलता है, दो लॉडिक्यूल्स निकलेंगे जो कि पेरियंथ का मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखिए स्टैमेंस, ये फिलामेंट छोटा है, स्टैमन देखो बहुत बड़े एंथर्स हैं जिसपे ये एंथर्स झूलते रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वर्सेटाइल। तीन स्टैमन्स दिख रहे हैं, ओवरी दिख रही है, एक सिंगल ओव्यूल दिख रहा है, दो स्टिग्मा दिख रहे हैं, फैदरी यानी स्टिग्मा बाइफिड है और पंखनुमा है। ये फ्लावर का डिसेक्शन करके हमने यहाँ पे बना दिया है पूरा, कि कितने कितने पार्ट्स हैं ये पुष्प के, मैंने आपको सारे दिखा दिए, ये आपको एग्जैक्टली बनाने हैं रिकॉर्ड में भी। फ्लोरल फार्मूला के बाद फ्लोरल डायग्राम देखिए, ये लेमा है बाहर का, सबसे बाहर का लेमा, जिसके अंदर ये पैलिया है, पैलिया के अंदर आप देखो दो लॉडिक्यूल्स, तीन स्टेमन्स हैं और बीच में सेंटर में ओवरी का दो फैदरी स्टिग्मा है। एम्प्टी ग्लूम इसमें नहीं दिखाए गए, लेमा और पैलिया दिखाया है फ्लोरल डायग्राम के अंतर्गत, एम्प्टी ग्लूम्स नहीं दिखाए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है ये ट्रिटिकम, मैंने इसमें बताया है गेहूं का, और इसका पुष्प आपको अच्छा से अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे एडवांस्ड फैमिली के अंतर्गत आती है, इसे ध्यान से कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।